जिंद से हैं महावीर जी, स्वागत है आपका। महावीर जी आप लाइन पे हैं? हाँ जी, जी सर बताएं। हाँ जी, ऐसे हैं हम पहले भी। अब आप का लाइव प्रोग्राम काफी दिन के बाद आया है, तो जी मैं एक तो वो बताना चाहता हूँ कि मेरी मैडम जो चल रही थी दवाई आपकी बनाई हुई मैं लिया करता, वो तो भगवान ने प्यारी हुई। अच्छा और मेरे जो ब्लॉकेज हैं इनके लिए मैंने वो नुस्खा बना रखा है, ये अदरक लहसुन नींबू उसका, लेकिन अब सर्दी में वो नींबू से बाजू में दर्द रहने लग गया, वो ले नहीं पा रहा मैं, उसकी कोई काट हो। ठीक और दूसरी चीज है जो मेरी गर्दन है ये कम, पहले भी कम मुझे थी लेकिन काफी कोशिश कर रहा हूं मैं, अब कुछ तो मुड़न लग गई, लेकिन इसकी इसमें कैल्शियम जम रहा है ऊपर जो ये हड्डी है इनमें, ये कैल्शियम किसी तरह से पिघल सकता है क्या, जिससे ये फ्लेक्सिबल हो जाए मेरी गर्दन, दाएं बाएं मुड़न लग जाए ऊपर नीचे, ये समझ गया। दो सवाल है। ठीक है सर। देखिए, अगर थोड़ी सी भी आपकी गर्दन का मूवमेंट है ऐसे या ऐसे, तो ये कैल्शियम हट सकता है। हमारे यहाँ पर कैल्शियम ही जम जाता है, वो सख्त हो जाता है, फिर गर्दन को मोड़ने नहीं देता। तो अगर अगर मूवमेंट है अभी, तो उसे करते रहिए, यहाँ की मालिश भी खूब कराइए, और मूवमेंट जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आप करते हैं वो ज़रूर करते रहिए, और जितना चाहे करें। दर्द हो तो दर्द की दवा खा कर करें। और आपकी पत्नी का मुझे बहुत अफसोस, और शायद यही बेहतर था आपके लिए भी और उनके लिए भी, कि भगवान उनको वहीं पर सुरक्षित रखे। ओह, आपने जी बड़ी सेवा की अपनी पत्नी की, वाकई बहुत कम हस्बैंड ऐसा कर पाते हैं जितनी आपने उनकी केयर की। और बस मैं थोड़ा सा तकलीफ में आ गया ये बात सुन के। और क्या सवाल था? नींबू से हाँ, दिक्कत हो रही है ना। आप चाहें तो उस नुस्खे में नींबू ना मिलाएं, और उसे अगर बगैर नींबू के ही पीना चाहें तो वो भी आपको फायदा करेगा। और अगर फिर भी कुछ अलग लेना चाहें तो नमक, जैतून और खाने का सोडा एक एक चुटकी 3 बार पानी में मिलाकर आप लिया करें, ये भी बहुत तेजी से हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। बिल्कुल।